नमस्ते दोस्तों, इंग्लिश फ्रेंड आपका स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में मैंने 25 ऐसे कुछ शब्द चुने हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर हम उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वैसे भी इंग्लिश में हम इसका अगर उपयोग करें तो हमारी इंग्लिश बड़ी ही इम्प्रेसिव बन जाती है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो बड़ा ही शांत शांत अकेला अकेला रहता हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट। अब इसका एग्जांपल भी देख लेंगे। एवरीबडी सेज दैट ही इज एन इंट्रोवर्ट पर्सन। एवरीबडी सेज दैट ही इज एन इंट्रोवर्ट पर्सन, यानी हर कोई कहता है कि वो बड़ा ही अकेला अकेला रहने वाला, अपने आप में रहने वाला शांत किस्म का इंसान है। तो चलिए इसका विरुद्ध जो है वो आप देखेंगे कि जो घुल मिल कर रहता है, सब में घुल मिलता है, सबसे बातें करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को कहेंगे एक्स्ट्रावर्ट। क्या? एक्स्ट्रावर्ट। अब इसका एग्जांपल देखिए। ही इज एन एक्स्ट्रावर्ट हु टॉक्स टू एवरीवन अबाउट एवरीथिंग, यानी जो सबके साथ घुल मिल कर रहता है और हर किसी से बात करता है। अब आगे देखते हैं। अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाला होता है जो, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट। इसका एग्जांपल देखेंगे। राकेश शर्मा इज नेम एज ए इंडियन एस्ट्रोनॉट। राकेश शर्मा इज नेम्ड एज द इंडियन एस्ट्रोनॉट, यानी राकेश शर्मा को भारत का अंतरिक्ष यात्री या अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला व्यक्ति कहते हैं। अब आगे चलती है। आगे है देखिए कि 100 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन। अब इसका एग्जांपल देखेंगे। वी डोंट हैव एनी सेंटेनेरियन इन माय विलेज। वी डोंट हैव एनी सेंटेनेरियन इन माय विलेज। ये आप समझ ही गए होंगे कि हमारे गांव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसकी उम्र 100 साल या उससे ज्यादा हो। तो चलिए आगे देखते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो जरूरत से ज्यादा खाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को कहेंगे ग्लटन। ग्लटन। ग्लटन यानी जो बहुत ज्यादा खाता है, पेटू, जिसे पेटू भी हम कहते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे। माय ब्रदर इज कॉल्ड ए ग्लटन बिकॉज ही ईट्स एवरी टाइम। मेरे भाई को ग्लटन कहते हैं क्योंकि वो हमेशा खाते ही रहता है। इस तरह से ये हम सेंटेंस इसका बना लेंगे। अब देखेंगे छठा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो है कि अपने क्षेत्र में लंबा अनुभव प्राप्त करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं वेटरन। वेटरन। अब इसका एग्जांपल देखेंगे। ए वेटरन राइटर इज कॉल्ड फॉर द फंक्शन। ए वेटरन राइटर इज कॉल्ड फॉर द फंक्शन, यानी किसी समारंभ के लिए ऐसे व्यक्ति को जो बड़ा अनुभव है जिसे, ऐसे व्यक्ति को हमने इनवाइट का किया है, उसे बुलाया है। इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए, ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाओं में बात कर सकता है, जिसे दो भाषा पता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे बायलिंगुअल। बायलिंगुअल। एग्जाम्पल देखिए। माई टीचर इज ए बायलिंगुअल। माई टीचर इज ए बायलिंगुअल। इसका मतलब मेरा जो टीचर है, हमारे जो शिक्षक है, वो दो भाषाओं में बात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। ऐसी जगह जहाँ कुत्तों को रखा जाता है, ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कैनल। इसे क्या कहेंगे? कैनल। एग्जाम्पल देखिए। दे कीप देयर डॉग्स इन एन आउटडोर कैनल। दे कीप देयर डॉग इन एन आउटडोर कैनल। उन्होंने घर के बाहर का जो कुत्ता घर है या कुत्ते रखने की जगह है, वह अपने कुत्ते को रखा है। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं। जिस पर विश्वास नहीं कर सकते, ऐसी चीज को हम क्या करेंगे? जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, ऐसी चीज को कहेंगे इनक्रेडिबल। क्या कहेंगे? इनक्रेडिबल। अब इसका सेंटेंस देखिए। यू आर टेलिंग एन इनक्रेडिबल स्टोरी। यू आर टेलिंग एन इनक्रेडिबल स्टोरी। आप ऐसी कहानी सुना रहे हो जिस पर हम विश्वास ही नहीं कर सकते।
इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा। अब आगे देखिए, ऐसी जगह या ऐसी चीज जिसे देखा नहीं जा सकता, इसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इनविजिबल, इनविजिबल। अब इसका सेंटेंस देखेंगे, यू आर नियरली इनविजिबल इन दैट फंक्शन, यू आर नियरली इनविजिबल इन दैट फंक्शन, यानी उस फंक्शन में आप बिल्कुल ही इनविजिबल हो गए थे, यानी किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। कपड़े रखने की जगह को क्या कहेंगे? जहां हम कपड़े रखते हैं अपने, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहते हैं वार्डरोब, वार्डरोब। अब एग्जांपल देखिए, द वार्डरोब इज टू हेवी फॉर मी टू मूव ऑन माय ओन, द वार्डरोब इज टू हेवी फॉर मी टू मूव ऑन माय ओन, यानी जो कपड़े रखने का कपाट है या वार्डरोब है वो इतना हेवी है, इतना वजनदार है कि मैं अकेला उसे हिला नहीं सकता। इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कि अपनी जीवन कहानी स्वयं ही लिखी गई तो उसे क्या कहते हैं? अगर किसी ने अपनी जीवन कहानी खुद की खुद ही लिखी तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। अब इसका एग्जांपल देखें, हिज ऑटोबायोग्राफी वॉज पब्लिश्ड ए फ्यू ईयर्स एगो, उसकी जो जीवन कहानी है, खुद की कहानी है, ऑटोबायोग्राफी, वो कुछ सालों पहले ही पब्लिश हुई है। इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। अगर किसी और की जीवन कहानी लिखी गई तो उसे क्या कहें? तो उसे कहेंगे बायोग्राफी। देखो आगे था ऑटोबायोग्राफी और अब है बायोग्राफी। तो बायोग्राफी यानी किसी और की जीवन कहानी अगर लिखी गई तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। इसका एग्जांपल देखिए, दिस बायोग्राफी इज रिटन बाय हिज डॉटर, यानी ये जो जीवन कहानी है उनके बेटी ने लिखी है, ऐसा इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि छानबीन के लिए किसी मृत शरीर को कहाँ रखा जाता है, ऐसी जगहों को क्या कहता है? तो ऐसी जगह को कहते हैं मॉर्ग, मॉर्ग। तो देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही अलग सा शब्द है जो हमारे सेंटेंस में हमें यूज करते आना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हिज बॉडी इज केप्ट इन द मॉर्ग फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, हिज बॉडी इज केप्ट इन द मॉर्ग फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आगे के छानबीन के लिए उसके मृत शरीर को, उसके डेड बॉडी को कहाँ रखा गया है? मॉर्ग में रखा गया है, इसे मुर्दा घर भी कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, पैदल चलने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? इंग्लिश में अगर पैदल चलने वाला व्यक्ति है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे शब्द है पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन। देखिए दोस्तों, बड़ा ही अनूठा ऐसा ये वर्ड है। इसका एग्जाम्पल, टू पेडेस्ट्रियंस वेयर विक्टम्स ऑफ एन एक्सीडेंट, टू पेडेस्ट्रियंस वेयर विक्टम्स ऑफ एन एक्सीडेंट, यानी दो जो पैदल चलने वाली व्यक्ति है उनका एक्सीडेंट हो गया या वो एक्सीडेंट के शिकार हो गए। इस तरह से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। अब बिना माँ बाप के बच्चों को रखने की जगह को क्या कहेंगे? तो ऐसी जगह को कहते हैं ऑर्फनेज, ऑर्फनेज। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, दिस इज एन ऑर्फनेज विथ 100 चिल्ड्रन, दिस इज एन ऑर्फनेज विथ 100 चिल्ड्रन, यानी ये ऐसी जगह है, ऐसा ऑर्फनेज है जहाँ 100 बच्चों को रखा गया है या 100 बच्चे यहाँ रह सकते हैं। अब ऐसा व्यक्ति जो मांसाहार नहीं करता उसे क्या कहेंगे? उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वेजिटेरियन, वेजिटेरियन। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, आई एम ए वेजिटेरियन फॉर लास्ट 10 ईयर्स, आई एम ए वेजिटेरियन फॉर लास्ट 10 ईयर्स, यानी 10 साल से मैं मांसाहार नहीं करता, मैं शाकाहारी हूँ। इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। आगे देखिए, ऐसी महिला जिसका पति मर गया हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? ऐसी महिला जिसका पति जीवित नहीं है उसे क्या कहेंगे? उसे विडो कहते हैं इंग्लिश में, विडो, विडो। एग्जाम्पल देखिए, द विडो वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक, जो महिला थी जिसका पति मर गया था, ऐसी विडो काले कपड़ों में थी। इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब इसके जगह देखिए, विडो के जगह विडोर होता है, विडोर यानी ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए कहते हैं विडोअर, विडोअर।
एग्जाम्पल ही वॉज ए विडोअर विथ टू डॉटर्स. ही वॉज ए विडोअर विथ टू डॉटर्स. वो ऐसा व्यक्ति है जिसकी पत्नी मर गई है और उसी से दो लड़कियां है. ऐसा ये सेंटेंस हम बना सकते हैं. अब आगे देखते हैं, एक से ज्यादा स्त्रियों से विवाह करने की प्रथा को क्या कहते हैं. तो इसे कहते हैं इंग्लिश में पॉलीगैमी. पॉलीगैमी एग्जाम्पल देखिए, पॉलीगैमी इज नॉट अलाउड इन माय कम्युनिटी. यानी हमारे समाज में एक से ज्यादा स्त्रियों से विवाह करने की प्रथा को मान्यता नहीं है. इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं. अब इसके विरुद्ध, एक ही समय में एक से ज्यादा पुरुषों से विवाह करने की प्रथा, देखिए दोस्तों ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे कहते हैं पॉली एंड्री. यहाँ पॉली यानी मेनी होता है और एंड्री यानी मेल यानी पुरुष, तो पॉली एंड्री. तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इन सम आइलैंड्स पॉली एंड्री वॉज प्रैक्टिस. कुछ आइलैंड्स में पॉली एंड्री की जो प्रथा है यानी एक से ज्यादा पुरुषों की विवाह करने की जो प्रथा है वो प्रैक्टिस में लाई जाती थी या फॉलो की जाती थी. इस तरह ये शब्द हम बना सकते हैं. मनुष्य के मांस को खाने वाले को क्या कहेंगे. मनुष्य का जो मांस खाता है ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, उसे कहते हैं कैनिबाल. कैनिबाल कैनिबाल इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज सेड दैट द पीपल इन दैट विलेज आर कैनिबाल्स. ऐसा कहा जाता है कि उस गांव में उस विलेज में के लोग कैनिबाल्स है, यानी वो मनुष्य का मांस खाते हैं. इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं. अब आगे देखते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, किताबों से प्यार करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे. जिसके पास बहुत सारी किताब है, जो किताबें पढ़ता है, किताबों से प्यार है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे. तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बिब्लियोफाइल. बिब्लियोफाइल एग्जाम्पल देखिए, माय ब्रदर इज ए बिब्लियोफाइल हु हैज 10,000 बुक्स इन हिज लाइब्रेरी. मेरा भाई किताबों से प्यार करता है, उसके लाइब्रेरी में 10,000 किताबें है. इस तरह बन जाएगा. अब हम आज का आखिरी वर्ड देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम देख रहे हैं, इसमें का आखिरी वर्ड आज देखेंगे 25th. देखिए, ऐसा व्यक्ति जो शराब नहीं पीता उसे क्या कहेंगे. ऐसा व्यक्ति जो शराब नहीं पीता, बड़ा इंटरेस्टिंग है. देखिए, इसे कहते हैं टिटोटेलर. टिटोटेलर माय ऑल फ्रेंड्स आर टिटोटेलर. यानी मेरे सभी दोस्त ऐसे जो शराब नहीं पीते. इस तरह का हम सेंटेंस बना लेंगे. देखो दोस्तों, तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज 25 ऐसे शब्द देखे जो बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग है, हमारे एग्जाम्स में भी आ सकते हैं. और सबसे जरूरी बात, हम अगर हमारे लैंग्वेज में इसका यूज करें तो हमारी लैंग्वेज बड़ी ही इम्प्रेसिव बन जाती है.